नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 23 मार्च। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। अब आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे मीरा कुमार की। मीरा कुमार का जन्म बिहार के आरा जिले में हुआ था। मीरा कुमार भारत के राजनीति में काफी लंबे समय तक सक्रिय थी। मीरा कुमार राजनीति में कांग्रेस पार्टी की तरफ से थी। इतना ही नहीं, वह लोकसभा की 15वीं स्पीकर के रूप में भी 2009 से 2014 तक कार्यरत थी। इसके साथ ही मीरा कुमार वह दूसरी महिला थी देश की जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पद के लिए नामित किया गया था। पटना समेत बिहार के सभी जिलों में घर से बाहर नहीं निकले लोग। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार बीते रविवार को पटना समेत बिहार के सभी जिलों में लोग अपने घर के बाहर नहीं निकलते दिखाई दिए। सभी सड़कें वीरान हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर पूरी सड़कों पर साफ साफ देखने को मिला। सभी लोग सरकार के आदेशानुसार अपने घर में ही रहे। बहुत जरूरी पड़ने पर ही कुछ लोगों को सड़कों पर देखा गया। वहीं पटना के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान समेत कई सार्वजनिक स्थानों को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश भी जारी किया गया है। कोरोना के चलते बिहार दिवस पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को किया गया कैंसिल। कोरोना के चलते बिहार दिवस पर आयोजित होने वाले सारे कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया है। हर साल बिहार दिवस को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं बिहार दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार वासियों को बधाई दी है, जिसके तहत उन्होंने बिहार की समृद्धि, प्रगति और स्वास्थ्य की कामना की है। इसके साथ ही बिहार में हर किसी को एक साथ रहने के लिए प्रेरित भी किया है। पटना में कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की जिंदगी जाने के बाद बिहार के सभी जिलों को किया गया बंद। बिहार में कोरोना के पॉजिटिव मामले आने के बाद, साथ ही साथ पूरे देश में 300 से ज्यादा मामलों की पुष्टि होने के बाद पटना समेत बिहार के तमाम जिले को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब 31 मार्च तक बिहार को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। वहीं लोगों को घर में रहने की नसीहत दी गई है। हालांकि अनिवार्य सेवाएं जारी रहेंगी, जैसे दवा की दुकान, राशन की दुकान, डेयरी, पेट्रोल पंप को अलग रखा गया है। बैंक, पोस्ट ऑफिस, एटीएम और मीडिया कार्यालय भी खुले रहेंगे। बिहार के लोगों ने थाली बजाकर स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, सेना और हर व्यक्ति का किया सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले बीते रविवार यानी कि 22 मार्च को बिहार समेत पूरे देश को बंद करने का ऐलान जारी किया था, जिसके तहत उन्होंने सभी लोगों से घरों में रहने की अपील भी की थी, जिसके साथ शाम 5 बजे ही अपने बालकनी और छत पर आकर स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, सेना और हर उस व्यक्ति को सम्मान देने के लिए भी कहा था जो हमारे साथ कोरोना से जीतने में सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। उनके लिए थाली और ताली बजाने की बात कही थी, जिसके परिणाम स्वरूप बीते रविवार को लोगों ने हूबहू वैसा ही किया। शाम 5 बजते ही पटना समेत विभिन्न जिलों के लोग घर के छत पर बालकनी में थाली और ताली बजाते नजर आए। ICMR नई दिल्ली ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप पद के लिए निकाली रिक्तियां। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली ने हाल ही में जूनियर रिसर्च फेलोशिप पद के लिए 150 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास MA या MSc की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 मई तक आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। महाराष्ट्र से चली ट्रेन बीते दिन पहुंची पटना। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से लोग अब अपने घर वापस लौटने लगे हैं। वहीं बिहार में भी कोरोना के कुछ मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी बीच मुंबई से निकली एक स्पेशल ट्रेन पटना पहुंची, जिसके पहुंचते ही दानापुर स्टेशन पर ट्रेन से आए सभी यात्रियों की जाँच की गई। उसके बाद ही उन्हें स्टेशन से बाहर निकाला गया। वहीं सरकार ने पूरी तरीके से पैसेंजर ट्रेन पर 31 मार्च तक रोक लगा दी है। पटना दिल्ली वॉल्वो बस के परिचालन पर लगी रोक। कोरोना के फैलते असर को देखते हुए राजधानी में चलने वाली सिटी बसों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाली बसों के आवागमन पर भी फिलहाल रोक लगा दिया गया है। खबरों की माने तो परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोरोना के संभावित फैलने के आसार को देखते हुए 31 मार्च तक सिटी बसों के साथ अंतरराज्यीय बसों के परिचालन पर भी रोक लगाई जा रही है। अगले फैसले तक यह सभी बसें बंद रहेंगी। देश भर में तमाम ट्रेनों को किया गया रद्द, केवल मालगाड़ियों का परिचालन रहेगा चालू। बिहार में कोरोना के पॉजिटिव असर की खबर के बारे में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसको देखते हुए अब रेलवे विभाग ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत रेलवे प्रशासन ने देश भर में तमाम मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। हालांकि रेलवे विभाग ने साफ किया है कि सिर्फ पैसेंजर ट्रेनें स्थगित रहेंगी, मालगाड़ियां पहले की तरह ही सामान्य रूप से चलाई जाएंगी। वहीं जिन लोगों के ट्रेनों के टिकट है उनके पैसों की रिफंडिंग 21 जून तक ली जा सकेगी। कोरोना पर कोऑर्डिनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने बिहार में भेजा एक IAS अधिकारी। देश भर में कोरोना की हालत खराब ना हो जाए, इसके लिए भारत सरकार लगातार राज्य में सरकार के साथ संपर्क में है। केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से नजर बनाकर रखे हुए राज्य सरकार से कोऑर्डिनेशन को लेकर एक एक IAS अधिकारियों को कई स्टेट में प्रतिनियुक्त किया गया है।
केंद्र सरकार के अधिकारी अतीश चंद्रा भी मौजूद थे। वहीं कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने बीते दिनों सभी लोगों से घर में रहने की अपील भी की थी। रामनवमी के अवसर पर पटना में आयोजित होने वाले भव्य शोभा यात्रा हुई कैंसिल। चैती छठ मेले के बाद रामनवमी के अवसर पर पटना में आयोजित होने वाले भव्य शोभा यात्रा को भी कैंसिल कर दिया गया है। खबरों की माने तो सरकार ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आयोजित होने वाला यह शोभा यात्रा डाक बंगला पटना से 2 अप्रैल के दिन निकलने वाला था, मगर कोरोना की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया, जिसकी जानकारी श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति डाक बंगला पटना ने दी। बिहार दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर बिहारियों ने पेश की मिसाल। बीते रविवार 22 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बंद के ऐलान के अलावा बिहार दिवस भी था, जिस दिन बिहार पूरे 108 साल का हो गया। 22 मार्च 1912 को ही इस बड़े राज्य की स्थापना की गई थी। हालांकि कुछ समय पहले आज के दिन भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था, मगर कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। मगर इसके बावजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानते हुए अपने घर में रहने का फैसला लिया और प्रधानमंत्री मोदी के आदेश का सम्मान भी किया। बिहार के सभी मंदिरों और मठों को किया गया बंद। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार सरकार ने बिहार के सभी मंदिरों और मठों को बंद करने का आदेश जारी किया था, क्योंकि मंदिर और मठ ऐसी जगह है जहां सुबह से लेकर शाम तक भारी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में कोरोना के फैलने की आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके तहत अब सूबे के सभी 45 और मंदिर और कबीर मठों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। सिर्फ आरती के लिए ही मंदिर खुलेगा, इसमें भी ज्यादा से ज्यादा 3 लोग शामिल हो सकेंगे। सभी मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा। एम्स पटना और IGIMS में OPD हुआ बंद। कोरोना के इस समय में आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं कोरोना से अब तक 300 से ज्यादा मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए पटना के एम्स और IGIMS ने भी OPD सेवा को बंद करने का फैसला सुनाया है, जिसकी जानकारी एम्स के सभी डॉक्टर्स ने दी है। जिसके तहत एम्स के सभी डॉक्टर्स ने 23 मार्च से सभी स्पेशलिटी क्लिनिक ने OPD को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला सुनाया है। कोरोना की वजह से दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार हुआ ठप। कोरोना की वजह से बिहार सरकार पहले से ही एहतियात के तौर पर कई कदम उठा चुकी है, जिसके तहत सरकार ने पहले ही मॉल शॉपिंग स्कूल कॉलेज को बंद करवा दिया था। वहीं कोरोना के कुछ मामले अब बिहार में भी पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं कोरोना का सबसे ज्यादा असर बिहार के दिहाड़ी मजदूरों पर देखने को मिला है। जूली के लिए कोरोना का भी सामना करने के लिए मटुकनाथ है तैयार। पूरी दुनिया में फैले कोरोना के बावजूद 2006 में अपने अफेयर को लेकर चर्चा में आए मटुकनाथ फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल मटुकनाथ ने बताया कि वह फिलहाल त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में है। वहीं 18 मार्च को उन्हें जूली के साथ पटना आना था, मगर सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई थी, जिसके कारण वो पटना नहीं आ पाए। हालांकि उन्होंने कहा कि वो टोबैगो में ही यहां पर कुछ दिन रहेंगे, जहां वो घूमने जाएंगे, साथ ही समुद्र में मस्ती करने भी जाएंगे। पटना में दूध की कोई कमी नहीं है। पटना में दूध की कोई कमी नहीं है, जिसका दावा बिहार सरकार ने किया है। 22 मार्च को सभी लोगों के घरों में रहने की अपील के समय में पटना में दूध और ब्रेड की शॉर्टेज की खबर तेजी से फैलने लगी थी, जिसके बाद प्रशासन ने खबर जारी कर दिया था कि आने वाले 6 महीने तक राजधानी पटना समेत सभी जिलों में दूध की कोई कमी नहीं हो सकती है। साथ ही साथ प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की है। पूरा हुआ प्रशांत किशोर का सपना। कुछ महीने पहले से प्रशांत किशोर अचानक से पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस समय बिहार की राजनीति काफी ज्यादा गर्म हो गई थी, जिसके बाद ही कयासों का दौर भी शुरू हो गया था। मगर इसी बीच प्रशांत किशोर ने बात बिहार की से लगभग 10 लाख लोगों को जोड़ने का संकल्प लिया था, जो कि अब पूरा हो गया है। डिजिटल राजनीति के लिए जाने जाने वाले प्रशांत किशोर ने अपने बात बिहार के कार्यक्रम में से 1 महीने के अंदर इतने लोगों को जोड़कर इतिहास रच दिया है, जिसके बाद अब प्रशांत किशोर की राजनीति में कदम रखने के कयास भी लगाए जाने लगे। पटना नगर निगम बोर्ड की बैठक में 2020-21 का बजट हुआ पास। सीता साहू की अध्यक्षता में पटना नगर निगम परिषद के साथ ही विशेष बैठक में 2020 और 21 के बजट सत्र का प्रस्ताव पास कर दिया गया। खबरों की माने तो कुल मिलाकर 3,744.61 करोड़ रुपए के बजट के प्रस्ताव को पास किया गया है। इतना ही नहीं, पास किए गए बजट में कई प्रस्तावित योजनाएं भी लागू की गई है, जिसके तहत फ्लैगशिप योजना कॉलोनी स्मार्ट रोड ड्रेनेज परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। जमुई में मास्क का स्टॉक हुआ खत्म। कोरोना के बढ़ते असर के बीच बिहार के जमुई में मास्क के स्टॉक के खत्म होने की खबर सामने आई है, जिसकी जानकारी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने खुद दी है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने जमुई में मास्क की सुविधा दिलवाए जाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पत्र लिखकर जल्द से जल्द मास्क उपलब्ध करवाने की मांग भी की है। इसके साथ ही कोरोना का सामना करने के लिए उन्होंने सरकार से मदद की भी अपील की है। जाप का डिजिटल कैंपेन हुआ शुरू। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने अपनी डिजिटल कैंपेनिंग की शुरुआत कर दी है, जिसका नाम बदलेंगे हम बिहार रखा गया है। इस दौरान टिकटॉक अकाउंट, व्हाट्सएप, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम, हर सोशल मीडिया साइट पर जाप का आधिकारिक वेबसाइट बनाया गया है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने सरकार से लोगों को 1 सप्ताह के कोरोना भत्ता देने की भी मांग की है।
व्हाट्सएप के बाद अब इंस्टाग्राम पर भी जल्द ही रोल होने जा रहा है एक नया फीचर। व्हाट्सएप की तरह ही अब इंस्टाग्राम पर जल्द ही डिसअपियरिंग मैसेज के फीचर को रोल किया जा रहा है, जिससे कि अब यूजर्स का मैसेज खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप ने भी अपने आप में इस फीचर के एड ऑन होने की बात कही थी। अब इसी क्रम में इंस्टाग्राम में भी यह फीचर रोल ऑन होने जा रहा है। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। ठंड का असर भले खत्म हो गया हो, लेकिन अभी बारिश लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर, छपरा में दिन भर धूप निकलने की संभावना है। वहीं कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं। तो वहीं अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलेगी। वहीं साथ ही बादल छाने के भी आसार है। वहीं कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। अररिया के रानीगंज वृक्ष वाटिका में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के अररिया जिले का रानीगंज वृक्ष वाटिका अररिया जिले के हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। रानीगंज वृक्ष वाटिका को पहले हसनपुर बालू धीमा के नाम से भी जानते थे। इस वृक्ष वाटिका में आपको बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। हर साल यहाँ घूमने के लिए काफी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। सलमान खान ने दी कोरोना से बचकर रहने की नसीहत। कोरोना के बढ़ते असर के बीच अभिनेता सलमान खान ने सभी आम नागरिकों से अपील करते हुए यह कहा है कि इस जिंदगी का सवाल है, कोई भी इसकी अनदेखी ना करे। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों से घर में रहने की अपील की है। सिर्फ सलमान खान ने नहीं, बॉलीवुड के कई स्टार्स ने भी लोगों को घर में रहने की अपील की है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनके नाम है भक्ति टाइम, न्यूज टाइम, महेश कुमार, सुजीत बाबू, सुनील कुमार, रंजीत कुमार गुप्ता, इंद्रदेव, किस्मत, बालाराज, कुंदन कुमार, विकी कुमार, रवि कुमार, संजीव कुमार, सत्यम शिवम, वीरेंद्र सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार द्वारा देश भर में सभी मेल पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस को कैंसिल करना कोरोना से बचाव के लिए कितना कारगर होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।